उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ शहर परियोजना अयोध्या की बैठक शहर परियोजना की आंगनवाड़ी एवं सहायिकाओं के समस्याओं को लेकर एक बैठक प्रेस क्लब में हुई। बैठक में मुख्य रूप से चर्चा का विषय बना रहा शहर परियोजना की CDPO मीनाक्षी पांडे के द्वारा आंगनवाड़ियों का वार्ड हटाकर दूसरे वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए जबरदस्ती पूर्वक आंगनवाड़ियों को मजबूर किया जा रहा है और शहर परियोजना ऑफिस पर सहायिका को जबरदस्ती पूर्वक 12 बजे से 5 बजे शाम तक की ड्यूटी कराई जा रही है। सहायिकाओं द्वारा मना करने पर तरह तरह की धमकी दी जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संरक्षक रणवीर सिंह गुड्डू ने बताया शहर परियोजना CDPO द्वारा आंगनवाड़ियों का वार्ड हटाकर दूसरे वार्ड में केंद्र चलाने के लिए इन्हें मजबूर किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसका कोई शासन देश नहीं है। CDPO अपने मनमानी तरीके से आंगनवाड़ियों का वार्ड दूसरे वार्ड में हटाकर केंद्र चलाने को मजबूर कर रही है। इसमें 1 अगस्त 2022 को एक साथ 1 लाख से अधिक विद्यालयों में जाकर के हम भारत माता का पूजन करेंगे। वहां पर एक रैली निकाली जाएगी। उस रैली के माध्यम से हम स्कूल में पहुंच करके जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं या फौज में करने वाले जो वीर गति को प्राप्त हुए उनके यहाँ जो परिवार के लोग कहे जा सकते हैं उनका हम वहाँ पर सम्मान करेंगे। एक कार्यक्रम ये किया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम जो विद्यालयों के माध्यम से होगा, जिला स्तर पर विद्यालयों के बहुत सारे विद्यालयों को मिला करके एक व्याख्यान माला आयोजित की जाएगी, जो जहाँ पर कि हम भारत इंडिया से भारत की ओर जो विषय है उसकी विस्तृत जानकारी समाज के अधिकाधिक वर्गों को देने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा कार्यक्रम महाविद्यालयों में है। देश के 1000 से अधिक महाविद्यालयों में हम 1.5 से 2 घंटे की व्याख्यान माला करेंगे और उस व्याख्यान माला का विषय वही होगा, इंडिया से भारत की ओर। और ये विशेष रूप से एक जन जागरण का विषय है, जिससे कि हम आम जनता के लोगों को जानकारी दे सकें कि इंडिया से भारत को कैसे पहुंचा जा सकता है। और एक और विशेष कार्यक्रम जो विश्वविद्यालयों में किया जाएगा, विश्वविद्यालय 75 से अधिक विश्वविद्यालयों में हम 2 दिन की संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, जिस संगोष्ठी के अंतर्गत बहुत सारे विषय जो है स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव से संबंधित जो बहुत सारे विषय है उन विषय में से एक विषय चुन करके वो विश्वविद्यालय 2 दिन की संगोष्ठी करेगा, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करेगा। हर संगोष्ठी में 500 से अधिक संभागियों के आने की संभावना है। ऐसी संगोष्ठी की जाएगी और सबके पीछे जो भावना है वो यही है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को हम एक विषय मान करके, एक आधार मान करके स्वतंत्रता के जन जागरण कर सकें। इसके अलावा 2 और बातें मैंने बताई। एक, हमने अभियान चालू किया है मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ, जो पूरे देश में प्रारंभ कर दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में विद्यालय हमारे शिक्षकों के द्वारा गोद लिए गए हैं, जिनका पूरी तरीके से उनको बदला जा रहा है, उनके स्वरूप को बदला जा रहा है, उनकी शिक्षा की गति को बदला जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था चालू की गई है। और एक और कार्यक्रम, एक शिक्षक एक वृक्ष, प्रत्येक शिक्षक एक वृक्ष लगाएगा और उसको जीवित रखने के लिए उसके भरण पोषण करेगा, उसका पालन करेगा और हर साल उसका जन्मदिन मनाएगा, ताकि हम देख सकें कि वो जो वृक्ष है पनप रहा है और पर्यावरण को हम कर सके हैं। और अंतिम बात जो मैंने कही थी अभी कि हमने ये तय किया है कि शिक्षक महासंघ के जितने भी कार्यक्रम होंगे उन तमाम कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने प्रारंभ की है। JP सिंगल, अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।